सभी को सावन मास की जो है पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और सावन ये बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान शंकर का जो है विशेष पूजन किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। इस सावन मास में लोग घर से अपना जो भी जल, दूध, दही, फल, मिष्ठान इत्यादि जो भी श्रद्धा से अर्पित बन पड़ता है वो भगवान शंकर को चढ़ाएं। और आज यहाँ शिव मंदिर रानीताल में सुबह से ही जो है पहले भगवान शंकर का जो रुद्राभिषेक किया गया, उसके बाद यज्ञ हवन किया गया। और दिन में यहाँ जो है भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार होगा और उसके बाद जो है प्रसाद यहाँ पर जो वितरित किया जाएगा। तो सभी लोग जो है आए और सावन मास का जो है यहाँ पर जो है श्रवण करें। और आज शिव पुराण का भी यहाँ पर जो है पाठ किया जाएगा। ये जो एक पूरे महीने भर यहाँ पर जो है शिव महापुराण का ये पाठ चलेगा। तो सभी लोग जो है सावन मास में शिव महापुराण पढ़ने का एक विशेष महत्व रहता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो 7 आवृत्तियाँ शिव पुराण की पढ़ लेता है उसका जीवन जो है सार्थक हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में जो है भगवान शिवालय में जाएं और भगवान शंकर का जो है जलाभिषेक करें। जैसे कहा भी गया है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो वैसे आप घर से जो है एक लोटा जल का लाएं और भगवान शंकर को जो है अर्पित करें। और सोमवार का विशेषकर इसमें अगर आप व्रत रखते हैं तो उसको मीठा उपवास रखें, जिससे जो आपके हर मन की कामना जो है पूर्ण होगी और किसी प्रकार का भी जो है रोग दोष होगा वे सब भगवान शंकर हरेक का संकट जो है दूर करेंगे। तो इन्हीं